भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को मिली जमानत को चुनौती देते हुए एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है और इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। दरअसल एनआईए की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील तुषार मेहता ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है वो आज ही सुनवाई कर सकते हैं, जिस पर मेहता ने आग्रह किया कि गुरुवार को सुनवाई की जाए। तभी सीजेआई ने कहा है कि 25 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि 18 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को जमानत दे दी है और उन्हें 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है ताकि इस मामले की जाँच कर रही एनआईए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके। और इसका मतलब है कि तेलतुंबड़े तब तक जेल से बाहर नहीं जा सकेंगे। बता दें कि आईआईटी के प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं। वहीं याचिका में कहा गया है कि वह 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।